हमारे साथ भाजपा नेत्री पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, आज किरण चौधरी ने अपना नामांकन भरा राज्यसभा के लिए, भाजपा में आने के बाद ये पहली बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, आप उनकी बेटी हैं और राजनेता भी हैं, तो दोनों तरीके से कैसे इस काम को देखती हैं, एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते, एक राजनेता होने के नाते? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ बीजेपी के तमाम नेतृत्व का जिन्होंने ये विश्वास जताया, मौका दिया किरण जी को। और किरण जी भी उसी तरीके से बहुत मेहनत उन्होंने जीवन भर किया है, लोगों की आवाज़ उठाई है और उसी तरीके से मजबूती के साथ हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगी। तो 20 साल पहले भी उन्होंने कोशिश की थी राज्यसभा जाने के लिए, तब भी वो जाना चाह रही थी लेकिन तब नहीं जा पाई, और 20 साल के बाद आज दोबारा मौका मिला है, 20 साल की लंबी राजनीति के बाद। बिल्कुल, उस समय मेरे पिताजी भी उनके साथ थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, और ऐसा हुआ कि वो एक वोट से उस वक्त रह गई थी, और आज इतने साल बाद फिर पार्टी, बीजेपी पार्टी ने हमें ये मौका दिया है, उन्हें ये मौका दिया है, जितना धन्यवाद मैं करूं उतना कम है। आज के नामांकन में एक खास बात और देखने को मिली कि जो विधायक अभी तक पार्टी के साथ नहीं थे, चाहे जेजेपी के हों या निर्दलीय विधायक भी हों, सभी ने साथ दिया आके, खासतौर पर जेजेपी के जो विधायक हैं या जो त्यागपत्र दे चुके हैं, सभी लोग जो हैं आज पहुँचे समर्थन देने के लिए अपना। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया, और भाजपा में सब विश्वास रखते हैं और इसलिए ये ऐसा हुआ है। तो आप कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में जब शामिल हुई, तो आपको ये महसूस हो रहा है कि फ़र्क है दोनों पार्टियों में? कांग्रेस में लंबा समय बिताया आपने। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी ज़मीन से बिल्कुल दूर हो चुकी है, वो अपने खुद के सर्वेज के ऊपर विश्वास नहीं करती, सर्वे पे अपना संगठन नहीं तैयार कर पाई, तो उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, सिर्फ खोखले भाषणों में। और दावे तो कोई भी कर सकता है विरोध में रह के खड़े होकर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब लोगों को पता है, और इसलिए बार बार आज के दिन, चाहे सेंटर की बात हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोग बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं बीजेपी को, और चाहे स्टेट की बात हो, आप देखिएगा कि हमारे खुद के जो पार्लियामेंट क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़, उसमें 9 के 9 हलके, आप देखिएगा कि बीजेपी अपना किस मार्जिन से दर्ज करेगी अपनी विक्ट्री। एक आखिरी सवाल है कि ये सीट जो है राज्यसभा की, पहले कांग्रेस के पास थी लेकिन अब ये सीट भाजपा के पास आ गई है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा भी नहीं है हार की वजह से, क्योंकि पहले से उनको पता था कि हार हो जाएगी, तो डर गई ना कांग्रेस, इनको तो पता ही है कि हारते और चुनाव के सामने, चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो एक हार दर्ज नहीं करना चाहते थे अपने खाते के अंदर। विधि श्रुति चौधरी, जिन्होंने किरण चौधरी के नामांकन भरने के मौके पर जो खुशी ताई और कहा है कि भाजपा ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को पूरी लगन के साथ निभाएंगे। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस समय भाजपा से डरी हुई है और उस डर के कारण ही उन्होंने अपना उम्मीदवार तक मैदान में नहीं उतारा है, और साथ साथ ये भी कहा कि विधानसभा से पहले कांग्रेस जो है कोई हार, फिलहाल पहली हार देखना नहीं चाहती थी, और इसी वजह से जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और खासतौर पर जिस तरह से किरण चौधरी ने नामांकन भरा उसको लेकर खुशी जताई। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।